मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बना
कृष्णाय कृष्णाय
भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसुते नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्य भक्तये नमो नमः समाधि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुन्दरावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकाकर आदुभावं पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दम् श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को कितना प्रश्न किया था? भैया सही सही सुन रहे, छह प्रश्न किए थे। छह प्रश्न का पहला प्रश्न किया था क्या बोला? शांति कहाँ मिलेगी? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये पहला प्रश्न था। इसलिए इसका उत्तर भी श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले सभी पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रत्वक्षजे आहे तुकी अप्रतिहता जय आत्मा सम प्रसिद्धति। जगत में हम जो कुछ करते हैं शांति और सुख के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं। अगर देखोगे तो पढ़ाई भी शांति सुख के लिए, नौकरी चाकरी में भी शांति सुख के लिए, दुकान मकान भी शांति सुख के लिए, शादी सबका मूल उद्देश्य है जीवन में शांति और सुख कैसे मिले। लेकिन करते हो तो शांति सुख के लिए, लेकिन शांति को हाथ में पकड़ में नहीं आती। जैसे परछाई को छूने जाओ ना, अब जितना तेजी से परछाई को छूने जाओगे
परछाई उतना तेजी भरता है। हम जितने शांति सुख के लिए दौड़ते हैं और शांति सुख उतना हमसे अलग 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 होते जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, अरे शांति सुख मिलेगा कैसे? हैं देखो ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए। तब श्री सुत गोस्वामी एक प्रश्न एक श्लोक में इसकी उत्तर देते हैं। भले सबई पुंसांग परो धर्म, भले पुरुष मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर धर्म मतलब जितने धर्म में सबसे जो बड़ा धर्म है, हैं? जगत में भी बहुत सारे धर्म है, देश धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, भाई धर्म, पति धर्म, कभी ये कर्तव्य ये धर्म नहीं है, ये हमारी कर्तव्य है। लेकिन जो हमारी जो स्वभाव की जो धर्म है कि तो भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही यही जीव मात्र का परम कर्तव्य है, यही परम कर्तव्य है। आप देखना, आपको एक दिया जलाओ उसका लोह किधर जाएगा? जैसे कि दिया जलाते हैं ना, उसका लोह किधर जाएगा? बोलो ऊपर जाएगा। बोले क्यों? ऊपर क्यों जाता है? इधर इधर क्यों नहीं जाता है? बता सकते उसका लोह ऊपर क्यों जाती है? कारण है, उसका जो मूल है ना, ये सूरज है, ये सूरज ये मूल अग्नि है, लेकिन उसका लोह ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पानी डालो, इधर जाएगा पानी? ढलान में जाएगा, नीचे जाएगा, नाली में, फिर नदी में, और लास्ट में जाकर वो समुद्र में मिलता है। क्यों? ये जो पानी है ना, ये समुद्र से ही आया है। आपको एक पत्थर ऊपर फेंको, किधर जाएगा? नीचे। बोले नीचे क्यों आएगा? उसका जो मूल है वो मिट्टी है। उसी तरह हम भी देखना, हम सबके सब शांति ढूंढते हैं। बोले भैया आप दुख क्यों नहीं ढूंढते? बताओ, कोई जीवन में दुख चाहता है? नहीं, दुख को हटाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं। बोले क्यों? हम सुख ही क्यों चाह रहे हैं? हम दुख क्यों नहीं चाह रहे हैं? कारण क्या? बोले कारण है, जो भगवान है वो सच्चिदानंद रूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, और हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान है। इसलिए तो मेरी माता च पिता तुम, वो हमारी मूल पिता है, हम उनके बच्चे हैं। बच्चे होने का नाते भगवान आनंद स्वरूप, इसलिए जीवन में हम आनंद को ही जिंदगी में आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, और आनंद कैसे मिले, लेकिन आनंद पर मिलता नहीं क्या? कारण क्या? भले हमें जहाँ ढूंढने चाहिए हम वहाँ नहीं ढूंढ करके गलत जगह पर ढूंढते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोई चीज हो गई, अगर रोड में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, जहाँ तुमने खोया वहीं पर ढूंढा फिर तुम्हें मिल सकते हैं। उसी तरह हमारा जो मूल जो दोष है, जो भूल है, हम श्री परम पिता को हमने भूल गया, हम श्री परम पिता को हमने भूल गया है, और उनकी चरण को छोड़ करके हम आनंद का ढूंढते हैं जब दूर है। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन ये संसार दुख का घर है, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, बेटी से दुखी, बेटा से दुखी, जहाँ दुख है ना हम सुख ढूंढ रहे हैं। और जो सुख जहाँ पर हमने वो चीज को हमने छोड़ दिया, वहां हमने छोड़ दिया। इसलिए देखो हम लोग किसके संतान है, इसलिए वेद कहता है हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हम ठाकुर जी की संतान हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुना, मैं जितने कथा सुना रहा हूँ ना आप सब याद कर लेना, ठीक है? जो कथा भी सुनना और घर में जाकर के बच्चों को भी सुनाना, पति को भी सुनाना। जैसे कथा सुन कर गए, पति बोले का इतना घंटा कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, फिर थोड़ी बहुत उसने भी कथा सुना दो। नहीं बोल नहीं, कथा सुनने के लिए गई, कब से मैं तुम याद करके आई, तो उसको अच्छी अच्छी उनको कुछ बात बता दूंगा, ठीक है ना? केवल सुनना नहीं, सुनना भी, और घर में जाकर के पति को, बच्चों को, बहू को, बेटे को, बेटी को, उनको भी कथा सुनाना, ठीक है ना? अभी आज मैं सुनाऊंगा, कल हमसे सुनाऊंगा, ठीक है? देखो एक सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक समय में एक राजा था,
राजा का घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा बड़े चिंता में पड़ा था मेरे राज्य को कभी चलाएगा। बहुत कष्ट से उसको घर में एक बेटा जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बेटा जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद में डाकुओं ने उसकी बच्चे को किडनैप कर लिया। अभी राजा का दुख की कोई सीमा नहीं, ठाकुर को कृपा से तो औलाद मिला, लेकिन वो औलाद हमें कहीं किडनैप हो गया। राजा बड़ा दुखी। एक दिन उसको घर में की कोई संता है, बोले महाराज क्या बात, सब सुख शांति है ना? बोले क्या पता, ऐसे ऐसे बात है, बेटे को किसी ने उठा करके ले गया। लेकिन वो संत बड़े बड़ा पहुंचा हुआ था, बोले मैं देखता हूँ तेरा बेटा कहाँ पर है, ध्यान लगा। उन्होंने ध्यान में उन्होंने सब कुछ देख लिया, बोले तेरा बेटा जिंदा है। बोले अभी जिंदा है, बोले ठीक ठाक है। बोले कहाँ पर बताओ, अभी मैं बेटे को वापस ले आता। बोले महाराज एक गड़बड़ी भी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी? बोले बच्चे को जो उठा करके ले गए तो वो छोटा बच्चा था, उसको होश नहीं था, अभी तो बड़ा हो गया। लेकिन उसको जिन लोगों ने उठा करके ले गया ना, वो कह रहे हैं, उसको बोल रहे हम ही तेरे पिता माता है, और छोटी सी झोपड़ी में रहता है, यही तेरा घर है। वो अब्बा भूल गया, अगर आप उसको ले आओगे ना आपको वो मानेगा नहीं। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले अगर आप आदेश करोगे, पहले जा करके वो बच्चे को मैं पहले समझाता हूँ, असलियत में तेरी पिता माता है कौन, अगर समझ गया ना फिर अपना बच्चे को वापस ले आ। बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, हम तो बड़े दुखी है। वो संत गया, वो बच्चे को अकेले देख रहे, बोला बोले इधर आ बेटा। बोले तेरे घर कहाँ है? बोले छोटी सी झोपड़ी था, बोले मेरे घर। बोले तेरे पिता माता कौन है, जो गुंडे थे ना? बोले ये मेरे पिता माता है। वो संत ने समझाया, देख बेटा ये तेरे घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोले क्या बता रहे हो, बचपन से मैं यही देख रहा। बोले इसलिए तो मैं तेरे को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देख बेटा ये देश का जो राजा रानी ये तेरे पिता माता है। तेरे घर कौन जानते हो? राजमहल तेरा घर है, रोज छापान भोग छतरी से भेजे में खाने वाले, यहाँ पर सूखी रोटी भी तेरे नसीब में नहीं मिल रहा है। देख बेटा जब तू छोटा बच्चा था ना, ये डाकुओं ने तेरे किडनैप किया है, तेरे होश नहीं था, अभी वो अपना परिचय दे रहे मेरे तेरे पिता माता। देख बेटा पिता माता की चेहरा में देखना, बच्चे का चेहरा मिलता मिलता कि नहीं? हम कहते हैं ना, देखो इसका नाक इसकी मैया जैसे, देखो इसका आंख इसकी पिता की जैसे, उसकी मुंह देखो उसकी दादा की जैसे। कभी बोलते है ना, कभी मैया की चेहरा बच्चे में आता है, कभी पिताजी की, कभी पिता माता का मिलता हुआ चेहरा बच्चे में, कभी दादा दादी की भी चेहरा आती है, आता कि नहीं है? बोले देख तू कितने सुंदर लंबे चौड़े, देखने में कितने सुंदर है, और जिसको तू पिता माता के चेहरा में चेहरा मिला, और देश का जो राजा रानी उनको साथ में तुम चेहरा को मिला, बताओ तुम्हारी चेहरा किसको साथ में मिलता है? अभी तक तो उसने कभी इसे विषय पर सोचा ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये बात बताए हम उसको दिमाग में भटकाया, सचमुच से मिला करके देखा, जिसको पिता माता कहते ना उनको एकदम उसको चेहरा से मिलता नहीं, उसका चेहरा तो राजा और रानी से, उसकी चेहरा पूरा राजा रानी से मिलता है। बोले आप तो सही बता रहे हो। बोले बेटा घर में चलोगे? बोले बाबा हमको बड़ी कृपा हुई, खैर उसने आकर के राजा को सारे बात बता दिया, अभी तेरे बच्चे को हमने समझा दिया है, जा कभी ले आओ, बीच में गुंडे बदमाशी हो, बीच में अमुक जगह पर चारों तरफ में घेराव करो, सबको बंदी बनाओ चोर डाकुओं को, और अपना बेटे को तो वापस ले आओ। जब उसने बेटे को वापस लाया ना, देखा राज महल इसका घर है, रोज छापा के भोग छतरी से व्यंजन खाने वाली, और एक दिन देश का राजा, एक दिन ये देश का राजा। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी कथा है। हमारे पिता माता कौन है? वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण घर का औलाद नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता, विश्व ब्रह्मांड का जो पिता माता हमने, लेकिन ये जीव हमें भूल गया है, हम जितना सब पिंड हुए हैं, मानते हो पिंड हुए सब,
हम सबके सब यहाँ पर किन्नर होकर के आए, हम जिसको घर बना रहे हैं, एक जीवन में घर बनाया, सारा जीवन का पैसा को एक घंटे करके क्या यहाँ रह सकते हो? संजीव से परमात्मा जाए एक घंटा भी घर में रुकने के लिए, निकाल लो यहाँ से, फिर दूसरे जीवन में तीसरे, दूसरे घर तीसरे में तीसरे, छोड़ रहे पकड़ रहे, पति को भी पकड़ रहे छोड़ रहे, बच्चे को भी पकड़ रहे छोड़ रहे, अनंत काल से पकड़ रहे छोड़ रहे। बोले कब तक भैया पकड़ेंगे छोड़ेंगे? बोले जब तक असली घर में नहीं चले जाते हो, जब तक असली पिता माता को तुम प्राप्त नहीं करते हो ना, तब तक पकड़ोगे छोड़ोगे पकड़ोगे करते रहो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतु तु कर्तव्य पुनर्जन्म न विद्यते, जब तुम मेरे पास में आ जाओगे ना, फिर तो ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए शांत हो जाएगा, परम शांति प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ पर ये साधु कौन है? बोले सदगुरु है। ये सदगुरु आकर के हमें समझाते, बेटा तुम कितना बुद्धि हो, फिर तो पिता ठाकुर जी है, तो ठाकुर को भूल करके तुम यहाँ पर आए, चलो अपना घर में चलो, तेरे को अपना घर में ले जाते हैं, अपना घर से ठाकुर जी की चरण में ही अपना घर, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो वहाँ जाने का तो यही एक टिकट है, तो बोले ठाकुर का नाम लोगे ना, बस ठाकुर के पास में पहुंच जाओगे। एक बार बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए यहाँ पर बताए, अगर जीवन में परम शांति पाना चाहते हो क्या करो, ठाकुर जी को भक्ति करो, ठाकुर जी को प्रेम करो। बोले भैया ठाकुर को भक्ति कैसे करनी चाहिए? हम सबके सब ठाकुर को भक्ति कर रहे हैं, किस ना किस रूप में करते हैं, लेकिन फिर शांति क्यों नहीं मिलती? बोले जैसे करनी चाहिए ना, हम वैसे नहीं कर रहे। बोले कैसे करनी चाहिए? बोले दो तरह से करनी चाहिए। बोले पहला अहितु, अहितु की मतलब भक्ति में कोई कामना वासना नहीं, कोई हमारी कामना ठाकुर इसलिए तुम्हें हम भजन कर रहे हैं, हमें स्त्री पुत्र धन दौलत पुत्र परिवार जो नहीं, भगवान से कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए, हैं? वो हमारे पिता, हम उनके बच्चे, जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो सारी संपत्ति का मालिक तो ही बनेंगे, अब कौन बनेगा? वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। देखो जैसे एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता के कितने बेटे हैं? दो बेटे। एक बेटा कहता है पिताजी तभी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे नाम पर जितने प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम पर लिखवा, फिर तो सेवा करूंगा, नहीं तो सेवा का कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक बच्चा कहता है पिताजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो मेरे पिता है ना, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल आप सेवा ही दो, कल हम सेवा करेंगे। बताओ दोनों बच्चों में पिता संपत्ति किसको देगा? जो मांगने वालों को देगा, जो जबरदस्त करने वाले ना बोलेगा, जो सेवा करूंगा उसको देख नहीं जाएगा। बोलेगा देखो मेरे लाला कितने अच्छे, कितने मेरी सेवा करता है, इसके लिए मैं इतने धन दौलत रख करके जाऊंगा, कभी चिंता के दुख कष्ट नहीं है, जितने के मेरा बैठ बैठ कर खाना खाए। अब जो बच्चा बोलता है दो तभी सेवा करें, बोले तेरे कुछ नहीं देंगे, तेरे काम कुछ भी नहीं देगा, हमारे संपत्ति में तुम्हारे कोई अधिकार नहीं। यही चीज को समझो, हमारे पिता साधारण नहीं है, वो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हनुमान जी देखो दिन भर क्या करते हैं? राम की सेवा करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, सारा दुनिया का रीति सिद्धि रोग शोक भूत विषाद जिसका नाम लेने से सबके सब भाग जाते हैं, जिनकी नाम लेने से सब कुछ भाग जाते हैं, इसलिए उनकी निष्कपट होकर के भक्ति करो। एक भक्ति तो अहितु की, जिसमें कोई कामना नहीं हो। बोले दूसरी तरह की जो भक्ति, बोले निरंतर के भाई, बोले निरंतर के भाई मतलब जैसे कोई शहद आप देखना ऐसे डाल दो ना, देखना उसमें के धागा बन जाती है, उसमें के जैसे धागा बन जाती है, कहते भक्ति में कहीं रुकावट नहीं, कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
सोते समय, उठते समय, चलते समय, काम करते समय हाथ में काम कर और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम और ठाकुर के मुंह में नाम, समझ गए कि नहीं? हाथों में काम और मुंह में नाम, बोल नहीं रहे, मुंह में हाँ ठाकुर की नाम लेके उठते बैठते सोते हर समय भगवान की नाम को लेनी चाहिए, बस हो गया भक्ति। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, ठाकुर को पता है ये कलयुग का जीव इतना कोई कठोर साधन कर ही नहीं सकता है, इसलिए सत्य युग में भगवान को पाने का उपाय था ध्यान, कृते जत ध्यायते विष्णु। लेकिन आप सुने होंगे वाल्मीकि, इनका नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा, इतने भजन इतने भक्ति साधन किया, सारा शरीर दीपक चाट लिया। हिरण्यकश्यप ने एक जगह पर खड़े होकर के 60,000 साल बिना खाए पिए एक अंगूठा के ऊपर खड़े होकर तपस्या की। कलयुग में अगर एक दिन कोई व्रत रखो ना, बोले कि भैया इतना काम कर, तो बोले आज हमने व्रत रखा, मतलब कलयुग में एक दिन भी ना बगैर खाने पिए तो एक दिन भी शरीर नहीं चलेगा। इसलिए कलयुग में जो प्राण है बोले अन्न दत्त प्राण, बोले जब तक अंदर में रोटी पानी देते रहोगे शरीर तब तक काम करेगा, अगर रोटी पानी नहीं दिया तो शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन सत्य युग में कैसे था, बोले मज्जा में प्राण, मज्जा को अंदर में रहता था, हड्डी के मज्जा को अंदर में है, इसलिए बिना खाए पिए 1,000 साल तक तपस्या करते थे। इसलिए तृतीया युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ करने के लिए बहुत कुछ चीज की जरूरत है। पहले तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, जो बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, जो संस्कृत मंत्र को ठीक ठीक उच्चारण करता है, निष्काम भाव वाले होनी चाहिए है, तब तो ब्राह्मण का यज्ञ से फल मिलेगा। लेकिन अभी किसी को बोलने के लिए आप एक यज्ञ करो, पहले तो बोलेगा इतने पैसे आने चाहिए, फिर दूसरी चीज घी। अभी कलयुग में जो घी है ना, सब चर्बी मिला हुआ घी है, पता नहीं कौन सा चर्बी मिला हुआ है, वो भी अपवित्र है। फिर एक हवन करने के लिए जाओ, देखना कितने 1,000 रुपया लग जाएगा। भैया कलयुग में इतने पैसा कहाँ से लाएंगे लोग, अपना खाने के भी जुटा नहीं पाते हैं, अगर रोज रोज इतने पैसा कहाँ ला करके ये यज्ञ कहाँ से करेंगे। इसलिए बोले भैया यज्ञ असंभव है। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन पूजा करने के लिए कलयुग में धूप दीप नैवेद्य अंगूर चंदन कर्पूर पंचामृत घी दूध शहद चीनी ये सब चाहिए। बोले भैया कहाँ से इतने पैसा लाएंगे, कलयुग में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, सब रोज रोज करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने देखा ऐसे एक उपाय रख लो जो बिना पैसा में हो जाए, बिना कष्ट से हो जाए, पैसा की जरूरत नहीं, कष्ट की जरूरत नहीं, केवल होठ में हिलाओ ना, हाँ एक बार हाथ उठा कर बोला, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे एक बार जोर करके बोला, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ हरे नाम करने के लिए कोई पैसा की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। और भगवान के नाम करने में कष्ट हुआ ना आनंद हुआ है? आनंद हुआ। देखो सत्य युग में जो साधन है कष्ट है, बिना खाए पिए एक जगह पर खड़े होकर के कोई चारों तरफ में आग जगह जला करके। तृतीया युग में जब यज्ञ करते आग को सामने बैठो, एक तो पैसा खर्चा, दूसरे में आग की आग जब लपेटा निकलती है, फिर पास में बैठना धुआं जब निकलते करती है। तृतीया युग में जो साधन अगुर कर्पूर चंदन धूप मच्छा में जलाओ ठाकुर का अभिषेक, उसमें भी कठिनी है, वो भी कष्टदायक। लेकिन कलयुग में जो साधन है ना, बिना पैसा में और आनंद है। कलयुग में साधन में आनंद भी है और उसमें कोई पैसा की जरूरत नहीं। इसलिए ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, भगवान के केवल नाम जप करो, केवल ये जीवा हिलने पर अपने आप ठाकुर जी के नाम, केवल जीवा हिलने पर
ठाकुर का नाम अपने आप निकलता है ठाकुर जी का नाम, इसलिए कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम जप करो और इसमें जीव का कल्याण है और इसमें जीव का उद्धार है। ठीक है, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, गौर प्रेमानंद हरि हरि, गौर प्रेमानंद हरि हरि, हरि बोल। ऐसे जो भगवान है, भगवान एक है, कितने भगवान, भगवान एक, भगवान दो नहीं, हम कहते भगवान एक है, लेकिन एक भगवान होने पर भी उनके तीन स्वरूप है और तीन तरह के उनके भक्त। अच्छे तरह से सुनो, ध्यान देकर के, एक बहुत अच्छी चीज को समझाने जा रहे हैं। उनको कहते भैया भगवान तो निराकार है, उसका तो रूप नहीं, उसका गुण नहीं, उसका लीला नहीं, वो तो निराकार, कोई तो की बात नहीं, कभी ये कौन, बोले जो ज्ञान है। दूसरे तरह का जो भक्त कहती है योगी, बोले इनका क्या फिलोसफी, बल्कि अंगुष्ट परिमाण एक परमात्मा है, इनको हृदय में बल ध्यान है, कहते इनको योगी कहते हैं। बल्कि तीसरे व्यक्ति कौन है, बल्कि जो भगवान की भक्त है, जो भगवान राधा कृष्ण को घर में पूजा करते हैं, सीताराम को पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को भक्ति करते हैं, कहते एक भक्त, एक ज्ञानी, एक योगी और एक भक्त। भगवान के तीन स्वरूप को तीन तरह का भक्त भक्ति करते हैं। अभी प्रश्न आता है भैया ये क्या सब बराबर ना सब एक है, ये प्रश्न आता है क्या सब एक ना सब बराबर, बोल नहीं सब बराबर नहीं, जो जिसको जैसे भक्ति करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजन है, बड़ी सुंदर दशहरा चोसा हम खाए, दशहरा दशहरा चोसा हम खाए नहीं, खाए नहीं, बड़े सुंदर मार्केट में आम आया। एक राजा एक सेवक को बोला, बोले भैया मैंने सुना है मार्केट में बड़े सुंदर आम आए, देख लेता हूं तो बेटा आम कैसे। जो पहला वाला गया देखा सचमुच से दुकान में तो पीले पीले रंग के दशहरी चूसा आम बिक रहा है। उसने वापस आया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम है, हम देख कर गए एकदम पीले पीले रंग के। राजा ने दूसरे को भेजा, बोले भैया तू देख कर कहा आम कैसे। दूसरा गया, उसने देखा सचमुच बड़े सुंदर पीले पीला आम, और उसने ये तो कहा दूर से देख कर आ गया, ये पास में गया स्पर्श किया तो देखा नरम है पता हुआ, सुंदर तो बड़ी खुशबू है। वापस आ गया, महाराज बोले आम देखा, बोले महाराज एकदम खुशबूदार आम पका हुआ आम। राजा तीसरे व्यक्ति को भेजा, बोले तू देख कर क्या। इसने भी गया देखा बड़े सुंदर पके पके हुए आम है, हैं सुंदर एकदम खुशबूदार, बोले भैया 5 किलो आम लो। 5 किलो आम लाया, ठंडा पानी में भिगवाया, उसको अमनिया किया, ठाकुर जी को बाल गोपाल जी को भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जब उसने आम खाया ना, भैया बड़ा मीठा है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे, बोले महाराज बड़ा मीठो आम है, हमने खा करके देखा बड़ा सुंदर आम है। ये चीज को समझ लो, आप बताओ ये आम तीनों को मिला कि नहीं, आम मिला कि नहीं तीनों को, तीनों का आम मिला, लेकिन मिलने पर भी सबको क्या बराबर मिला है, यही चीज को समझ लो। पहले जो व्यक्ति केवल देख करके आ गया, कहते भैया ये कौन, बोले ज्ञानी, जो भगवान को दूर से केवल एक ज्योति रूप में देखता है, बोले भैया भगवान कैसे, बोले एक ज्योति, केवल एक ज्योति, उसको और कोई कुछ और कुछ दिखाई नहीं है, कहते ये ज्ञानी है। लेकिन थोड़ा जो और नजदीक गया, स्पर्श भी किया, सुंघा, बल्कि ये कौन, बल्कि ये योगी, कहते ज्ञानी से एक योगी श्रेष्ठ, क्योंकि कहते ये भगवान को हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा को हर समय ये ध्यान करना है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी भस्य अधिक योगी, एक ज्ञानी से एक योगी श्रेष्ठ है। लेकिन जो लास्ट में गया और उन्होंने आम देखा, खरीद किया, लाया, भोग लगाया, खाया, बोले ये कौन, बोले ये भक्त, ये भक्त है, हैं? कहते भक्त क्या करता है, डायरेक्ट भगवान का दर्शन करता है। जैसे हनुमंत लाल, इनका नाम सुने वो,
कौन कौन हनुमान को जानते हो? सब जानते हो। हनुमान जी को क्या करता है राम? जब भगवान विश्राम करते हैं जाकर के चरण की सेवा करते हैं। अगर राम की कहीं जाना जरूरत है ना, कंधे पर बैठा देते भगवान राम को और आकाश में उड़ते हुए चले जाते हैं। भगवान राम के बैठे हुए हनुमान जी अपना पूछ से ठाकुर जी को बड़ी सुंदर छाया कर देते हैं। अगर कहीं व्यासेन भेजना हो, हाँ मैया सीता को पता लगाना हो, हनुमान उड़ते हुए लंका चले जाते हैं और माता सीता से मुद्रिका को हैं, माता सीता को मुद्रिका देकर उनको सर का उनका मुकुट लेकर के आते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी जैसे सेवा करती, जैसे गोपियां हरे कृष्ण को बड़ी सुंदर गोपियां सेवा करती हैं, मीराबाई जैसे गोपाल को सेवा करती हैं, हैं? इसलिए कहती जो भक्त है ना, जितने भी भगवान को एक ज्ञानी भी प्राप्त करता है, एक योगी, लेकिन जो भक्त जो प्राप्त करता है भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त करता है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा ज्ञानी का भगवान, कोई कहते हैं ज्ञानी का भगवान, कोई कहते हैं योगी का भगवान, किसके भगवान है? बोलो किसके भगवान? केवल भगवान भक्त का ही प्रेम में बसे होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्री सूरदास जी बड़ा सुंदर एक भजन है, बड़ा सुंदर कहते सबसे ऊंची प्रेम सदा ही। अब यह प्रभु जी आपको भजन को गा करके सुनाएंगे। भगवान के से प्रेम के ही केवल भगवान बसूत होते हैं और किसी को जरा भगवान को कोई बसूत नहीं कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम की। सबसे ऊंची प्रेम सदा Thank you.
मेरे प्रेम से बोलिए, मुझे लग रहा है रस देखकर अब तो आवाज आ रही है, एक जोर से बोलो क्या बोलना है। हरे प्रेम से बोलो श्री वृंदावन, हरे वृंदावन प्रेम से बोलो आवाज नहीं आ रही जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम इनको सृष्टि की, बोले देखो बच्चों भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को धीरे 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 बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थ बड़ा दुख में है, हम तो ये संसार में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हर समय प्रभु का भजन करें और मस्त रहे। बोले भगवान का आदेश शादी करना संसार बढ़ाना, अब कहते शादी नहीं करोगे। बोले नहीं बाप पिताजी, शादी सुधार की कोई इच्छा नहीं, इच्छा तो प्रभु की भजन करते हुए जीवन को बिताए, ये क्यों ये झूठ झामला में फंसे। बोले शादी नहीं करोगे। बोले नहीं, बोले शादी नहीं करोगे ना, अभी जैसे जन्म हुआ 5 साल के जिंदगी भर 5 साल जैसे रहो, शादी नहीं करोगे ना ऐसे ही रहो। बोले बड़े खुश हो गए, बोले बढ़िया हो गया। बोले क्यों, देखना घर का जितने बोझ है ना बड़े गोबर है, बच्चे गोबर में कोई चिंता है, बच्चे तो मस्ती से खेलते खाते कूदते पीते हैं, लेकिन घर का जितने समस्या झामला किसको ऊपर में, सब बड़ों को ऊपर। बोले बढ़िया है ये बरदान, ये आप ये अभिशाप नहीं, ये हमारे लिए बरदान है। इसलिए ये चतुसन इनको उम्र देखना इतने छोटे छोटे और नंगे धड़े के रहते हैं और जहाँ इच्छा उधर भ्रमण करते रहते हैं, हैं? भगवान की दूसरा अवतार कहते भगवान से बरहा रूप में आए। बोले बरहा रूप में कब ठाकुर जी प्रकट हुए, जब सृष्टि करने का समय आया, मन महाराज ने कहा प्रभु सृष्टि कहाँ पर करो, तो पानी पानी सर्वत्र है। इतने में ब्रह्मा जी ने छींके, उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और देखते 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 विशाल रूपधारण किया। कहते ये कौन है, ये भगवान श्री बरहा भगवान। भगवान की जो तीसरे अवतार हुए हैं ठाकुर जी नारद रूप में आए। आप सब नारद जी को जानते हो, जानते नहीं है? हम कहते ना तुम क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या झगड़ा लगाते हो, कहीं जा झगड़ा नहीं होता है ना,
बाबा से नारद जी झगड़ा लगा देते हैं, लेकिन नारद जी झगड़ा नहीं लगाते। नारद जी ऐसे काम करते हैं जैसे भगवान की कोई नया लीला प्रकट हो जाए, फिर नारद जी आनंद लेते हैं। इसलिए यदि ये भगवान की तीसरा अवतार है, श्री नारद जी ने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र, जिसका नाम जिसमें उन्होंने भक्ति की बड़ी महिमा बताई। बोले भक्ति रे भयती, अगर भगवान को पास में जीव को ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? बोले भक्ति। अगर जीव को भगवत प्राप्त करेगा तो कौन करेगा? बोले भक्ति। बोले भक्ति ही जीव को पोषण करता है, तार लेता है और ठाकुर के चरणों की दर्शन केवल प्रभु की भक्ति से होता है। इसलिए उन्होंने नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ उन्होंने श्री नारद जी ने लिखे हैं। इसका नाम नारद, नारद मतलब क्या? जो कभी रद्द नहीं होते हैं। नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान देते हैं, हैं? नर मतलब होता है भक्ति, द मतलब सबको जो भक्ति देते हैं, नर मतलब आसक्ति, द मतलब होता है कि आसक्ति का जो काट देते हैं, कौन? श्री नारद जी। इनकी कृपा से ही हर जीव को भक्ति अगर मिला है ना, बोले श्री नारद जी की कृपा से मिले। नारद जी के चार चेले हुए हैं, कहते दो बालक और दो वृद्ध। बोले दो बालक कौन हुए? बोले ध्रुव और प्रह्लाद। आगे इनकी कथा हम सुनेंगे। नारद जी की ऐसे कृपा रही, नारद जी की 5 साल उम्र में ध्रुव महाराज ने 5 साल उम्र में उन्हें भगवत प्राप्त कर लिया। प्रह्लाद महाराज भी 5 साल उम्र में प्रह्लाद को भगवत प्राप्ति हो गई। जब पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, उन्होंने बोले बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ तो बताओ। बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को दिख रहे हैं खंभे में ठाकुर जी बैठे हुए और हिरण्यकश्यप ने मुष्टि का घात प्रहार की, खंभ फट गया और नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। कहते ये दो बालक और दो वृद्ध हुए। बोले दो वृद्ध कौन हुए? बोले एक श्री व्यास देव हुए और एक श्री वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि ने कहते ये रामायण ग्रंथ भी जिन्होंने लिखा है और ये भागवत को किसने लिखा? बोले व्यास ने। कहते इनकी ऐसे दो चेले हुए और ऐसे दो ग्रंथ उन्होंने लिखे जो कि हमारे सनातन धर्म की जो दो मेन ग्रंथ, एक रामायण है और एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये दो अनमोल ग्रंथ हुए। कहते भगवान की जो चौथा अवतार, कहते भगवान श्री नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी बद्री का आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाथ उठाओ। कौन कौन गए? 1, 2, 3, 4 कौन जाना चाहते हो बताओ? सब जाना चाहते हो, एक बार आप सबको ले जाएंगे। कहते ये चार धाम जो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, एक बार अगर कोई दर्शन कर लेना। शास्त्र में बताया कि जगत में फिर उनका जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। इसलिए बद्रीनाथ में श्री नरनारायण के स्वरूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। बोले क्यों तपस्या कर रहे हैं? इसका दो कारण बताए तपस्या कर रहे हैं भगवान। पहला कारण है भगवान को पता है कि कलियुग का जीव तपस्या नहीं कर सकता, इनके इतना हिम्मत नहीं है तपस्या कर सके। इसलिए भगवान ने सोचा मैं ही इनके लिए तपस्या करता हूँ। अगर कोई कष्ट करके एक बार आए बद्रीनाथ में और मुझे एक बार दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या की छठवां भाग का फल उसको अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा, केवल प्रभु की दर्शन मात्र से ही है। अब देखना केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ ना, पहले तो जब लोग जाते थे, आपको पता होगा वृद्ध उम्र में जाते थे, बोलते थे हमारे श्राद्ध क्रिया कर लेंगे, क्योंकि पहले चल चल करके जाना पड़ता था, पेड़ को पकड़ पकड़ करके, जो रास्ता था वो साधारण रास्ता नहीं था, बड़ी कष्ट से मतलब चलते चलते रास्ता में ही प्राण समाप्त हो जाता था। बोलते थे हमारे नाम पर श्राद्ध क्रिया कर देना, हम वापस आ पाएंगे कि नहीं कोई पता नहीं,
क्योंकि चल चल करके जाते थे हैं, लेकिन अभी जो चार धाम ऐसे हो गया, अभी वहाँ टूरिस्ट प्लेस हो गया है, बड़े सुंदर। जो लोग गए आपको पता होगा कितने सुंदर अलका नदी बह रही है, कितने सुंदर झरना। जब अब जाओगे देखोगे ठंडी ठंडी हवा आ रही, जैसे मैं कहा करे शरीर में टकराता है, बड़ी मनोरम स्थान है। अभी तो वो टूरिस्ट लोग टूरिस्ट प्लेस बना दिया ये चार धाम को, इसलिए अभी अगर 7-8 दिन 10 दिन लेकर के जाओगे पूरा ये चार धाम को दर्शन करते हुए घर में वापस आ जाओ देखो। लेकिन इससे और भी सरल हो पाएगा, जब कृष्ण जन्म नहीं लिए थे श्री नंद बाबा ने मनोति रखा था, बोले हे प्रभु अगर हमारे घर में एक गोपाल की जन्म हो जाए, कृष्ण की मेरे एक संतान हो जाए, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ तुम्हें दर्शन करने जाऊंगा, सारे तीर्थ एक बार तक जाऊंगा। अभी कृष्ण जन्म हो गया, अभी नंद बाबा ने देखा मैंने मनोति रखा था चार धाम जाऊंगा सारे तीर्थ जाऊंगा, अभी मुझे जानी चाहिए। एक दिन सारे ब्रजवासी तैयारी हुए तीर्थ जाने के लिए, कृष्ण ने देखा देखो ये कितने भोले वाले, ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो तो सही। कहते भैया ये गंगा कौन है, कहते मेरे चरण से निकली है, भगवान की चरण से गंगा निकली है, ये चरणा मिलकर। बोले ये यमुना कौन है, बोले मेरे पटरानी मेरी सखी है। बोले ये केदारनाथ कौन है, बोले श्री भोले बाबा भगवान की सबसे प्यारा मंदिर है। बोले ये बद्रीनाथ कौन है, बोले श्री नारायण, नारायण कौन है, कहते मेरे अंशज अंशज अंश नारायण। इसलिए विश्व ब्रह्मांड के जितने तीर्थ है ये सब मेरे दास दास है। इसलिए रसखान कहते हैं तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहां, तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करीब किया, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। जो व्यक्ति वृंदावन धाम परिक्रमा कर लेते हैं, हैं वृंदावन की परिक्रमा कर लेना समझो एक काशी में करोड़ों करोड़ों काशी, करोड़ों करोड़ों केदार बद्री गंगोत्री जमुनोत्री सब कुछ उसको दर्शन हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी आप कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, बोले लाला तू जन्म होने से पहले हमने मनोति रखा था हम चार धाम करेंगे, अब पृथ्वी के सारे तीर्थ जाएंगे। बोले पिताजी सब तीर्थ तो यहीं पर है, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ है, ये लक्ष्मण झूला त्रिवेणी सब तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर, बोले मेरे साथ में आओ मैं आपको सारे धाम कराऊंगा। सब कृष्णा ब्रजवासियों को लेकर के काम्य वन में गए और बोले सबके सब यहाँ पर आग वन करो और हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ का स्मरण करो, हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ स्मरण किया तो पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है सबके सब वही प्रकट हो गए, सबके सब वही प्रकट हो गए और जितने ब्रजवासी सारे धाम का दर्शन किया है। इसलिए हम लोग कभी काम्य वन में गए हो ब्रज के, वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री देखे कौन कौन गए, हम लोग गए हम लोग जो ब्रज यात्रा में जाते हो सारे पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है। अगर यहाँ पर सदर निकलोगे ना यहाँ से पूरा ये चार धाम, केवल चार धाम नहीं वहां पर सारे त्रिवेणी वहां पर लक्ष्मण झूला स्वर्ग द्वार सारे धाम वहीं पर सबके सब। इसलिए कृष्ण ने सब एक दिन में सारे तीर्थ करवाया था। अगर आपकी इच्छा हो तो एक दिन कभी प्रोग्राम बनाओ सवेरे यहाँ से चलो और शाम को दर्शन करके दिल्ली में वापस आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी सारे अवतारों का नाम को ले रहे थे, अवतारों का नाम लेते लेते उन्होंने बोले जो कृष्ण है ना कृष्ण भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी ने कहा भैया मैं तो गलती कर दिया, क्यों मैंने बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण अवतारी। बोले अवतारी मतलब बोले जिनसे
ये जितने सारे अवतार जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, इसलिए ये कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं भले अवभाग्यम अवभाग्यम नंदोप्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। तब ब्रह्मा जी कहते कृष्ण बोले बोलिए पूर्ण ये ब्रह्म और सनातन अनादि गोविंद सर्व कारणम कत जितने भगवत अवतार है ये सब के सब कृष्ण से ही, ये सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। इसलिए जो पूर्ण ब्रह्म है श्री बांके बिहारी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री लाल। इसलिए बोले कृष्ण जैसे पूर्ण ब्रह्म है कहते उनका जो नाम है ना वो भी पूर्ण है, कृष्ण भी पूर्ण, उनका धाम भी पूर्ण और कृष्ण का नाम भी पूर्ण है। देखो ये शंकर पार्वती का एक संवाद सुनो। एक समय श्री माता पार्वती भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं बोले प्रभु आप ये बताओ किसकी नाम हमें लेनी चाहिए, किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए। तब श्री शंकर जी कहते पार्वती बोले आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना पर। बोले हे पार्वती जगत में जितने आराधनाएं हैं सबसे जो श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की आराधना। तब से मैया पार्वती आपको पता होगा एक विष्णु सहस्र नाम है जिसमें भगवान विष्णु की 1000 भगवान विष्णु का नाम है। अभी माता पार्वती अभी रोजाना ये विष्णु सहस्र नाम को रोज पाठ करती जिसमें 1000 भगवान विष्णु का नाम है। अभी जब उन्होंने कुछ दिन तक भगवान विष्णु को विष्णु सहस्र नाम को पाठ की एक दिन शंकर जी बोले पार्वती उससे भी एक और श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु कौन सा नाम है। अब विष्णु सहस्र में एक श्लोक से आपको पता होगा बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे सहस्रार नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरारने। बोले हे सुंदरी पार्वती अगर कोई विष्णु सहस्र नाम को एक बार कोई पाठ करे मतलब 1000 विष्णु का कोई नाम ग्रहण करे, अगर एक बार कोई प्रभु राम का नाम कर लेना पार्वती उसको वही फल मिलता है। इसलिए बोले प्रभु कहते राम नाम बड़ा मीठा है। बोले हाँ पार्वती राम नाम बड़ा मीठा नाम है। अभी पार्वती प्रभु राम का नाम लेती थी एक दिन शंकर जी बोले पार्वती ये राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु कौन सा नाम है। बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वित्वा तु चत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नाम एक तत् प्रजच्छति। बोले पार्वती अगर ये विष्णु सहस्र नाम को 3 बार कोई पढ़ ले मतलब 3000 विष्णु का नाम कोई ले एक बार अगर से कृष्ण का नाम ले लेना है एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु नाम के बराबर। इसलिए पार्वती जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये 16 कला में जो परिपूर्ण है श्री बांके बिहारी है। मतलब प्रभु फिर तो बांके बिहारी का नाम लेने चाहिए। हाँ बांके बिहारी सबसे श्रेष्ठ नाम है। कुछ दिन बाद में शंकर जी बोलते पार्वती आज आप करके एक रहस्य बात बताते हैं। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले प्रभु आप ही तो बता रहे थे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म 16 कला में परिपूर्ण उनसे कोई बड़े नहीं आप ही तो बता रहे थे। बोले मैं नहीं बता रहा हूँ ये बांके बिहारी चंद्रमा को बताए थे। बोले क्या बताए। बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतम। कहते मेरे नाम अगर कोई 100 बार ले ले अगर एक बार से राधा रानी का नाम लेना एक राधा रानी का नाम को साथ में 100 बार से कृष्ण का नाम बराबर। इसलिए आप लोग वृंदावन में जाओ इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते है। क्या बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से। जब एक बार से राधा रानी का इसलिए वृंदावन तो बांके बिहारी के राजा कृष्ण का धाम है इसलिए वहां पर क्यों कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते। कारण है राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी
बड़ी कृपा से राधा रानी, उनका नाम लोना और इनकी कृपा से ब्रजधाम में निवास होता है। अगर राधा जी की कृपा नहीं हो कोई भी ब्रजवास कर ही नहीं सकते। उनकी कृपा जिसको ऊपर में होगी वही केवल श्री ब्रजधाम में रह करके भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं। इसलिए सबके सब वृंदावन है किसका नाम लेते हैं, एक बार राधा का नाम लो, सौ बार कृष्ण नाम लेने का, 100 बार नाम लेने का फल मिल जाती है। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले राधे राधे बोलनी चाहिए, फिर रहस्य क्या? बोले देखो पार्वती, राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे, मतलब अगर श्री राधा जी का नाम लोग ना, राधा जी वहां पर नहीं आएगी, वहां पर राधा रानी नहीं आएगी, कौन आएंगे वहां पर? बिहारी जी कृष्ण आएंगे। फिर तुम जब कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, फिर वहां पर से राधा रानी आएगी। इसलिए राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न होती है। पार्वती बोली प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिए, अभी बताओ राधे राधे बोले ना कृष्ण कृष्ण बोले, अभी क्या बोले है? बोले देखो पार्वती, दोनों का नाम जुगल का नाम लेनी चाहिए, क्योंकि राधा नाम से कृष्ण प्रसन्न और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न, दोनों का नाम लिया करो। बोले कैसे बताओ कैसे नाम ले? बोले हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्वती बोलो प्रभु का राधा रानी कहाँ है? यहाँ तो राधा जी का नाम है ही नहीं गई, क्या हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम चुटकी से? हाँ देखो इस पर राधा जी का नाम कहाँ पर है? आप लोग मेरे संस्कृत पढ़े हो थोड़ा बहुत, कौन कौन पढ़े हाथ उठाओ, संस्कृत कौन थोड़ी थोड़ी जानते हो? जो शब्द रूप याद, रमा रमे रमा रमा रमे रमा कृष्ण कृष्ण, याद किए हो कभी स्कूल में संस्कृत पढ़े हो? बाबा पंडित जी, हाँ देखो ये हरे शब्द कैसे राधा जी का नाम है, कहते इसका मूल शब्द हरा, ये आकार स्त्रीलिंग है। जैसे लता शब्द कभी याद किए होंगे, रमा शब्द कभी याद किए होंगे, देखना लता शब्द आकार स्त्रीलिंग है, लेकिन ये संबोधन में हो जाता है वे लते। उसी तरह इसका जो मूल जो शब्द कहते हरा, हरा मतलब है कृष्ण के मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है। बोले कौन हरण करती है? श्री राधा रानी। इसलिए ये मूल शब्द हरा है,
अब ये संबंधन में हो जाते हैं, हे हरे मतलब हे राधिके। कृष्ण हम लोग अगर कृष्ण राम शब्द पढ़े होंगे, राम राम रामा रामम रामम रामान शब्द लोग शब्द रूप अगर याद किए होंगे, देखना संबंधन में हो जाता है हे कृष्ण है। फिर हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, फिर हरे राम हरे तो हो गया श्री राधा जी का नाम, फिर राधा जी को साथ तो श्याम रहते हैं ना, ये राम कहाँ से आए। बोले इसमें जो राम जो शब्द है वो दशरथ नंदन अयोध्यापति जो राम का नाम ये महामंत्र में नहीं, इसलिए कृष्ण का एक नाम राम है। बोले क्यों, बोले राधा रमयती राम, राधा जी को साथ में जो रास रचाते हैं इसलिए ये रमण शब्द से ये राम शब्द बना। इसलिए ये महामंत्र में ये जो हरे कृष्ण है ये जुगल नाम श्री राधा कृष्ण का ये नाम, इसलिए इसका नाम महामंत्र, इसका नाम मंत्र नहीं है। तो मंत्र में जो राजा है श्री महामंत्र है, यही महामंत्र कलियुग का सर्वश्रेष्ठ मंत्र श्री महामंत्र है। हैं देखो सारा दुनिया ये चाहता है भैया परिश्रम तो कम हो लेकिन माल ज्यादा मिले, सब बोलते ना परिश्रम हमारे कम हो और हमें माल ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर ये महामंत्र को कोई जप करते हैं, मतलब एक बार राधा जी का नाम लिया तो क्या हो गया, 100 बार कृष्ण नाम लेने का फल मिल गया। अगर एक बार कृष्ण नाम लिया तो तुमको 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिला और 3 बार राम नाम करने का फल मिल गया, इसलिए इसका नाम श्री कलियुग में इसका नाम महामंत्र बताया गया। ठीक है ना, सबके सर पर हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर कर बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। स्वर्णकाल ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, जैसे देखो जैसे कहीं भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण तो भैया कथा सुनने के लिए आना, कोई बोलेगा भैया मेरे पास में समय नहीं है, इसका अगर छोटी मोटी कोई दुकान हो कोई बिजनेस हो वो बोलेगा भैया मेरे पास में कथा सुनने के लिए समय नहीं। लेकिन इसलिए सोनोदाद ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, ये परिणति महाराज उन्होंने एक जगह पर बैठ करके बिना खाए बिना सोए बिना कुछ किए हुए उन्होंने 7 दिन तक एक जगह पर बैठ करके सुने। वो थे कौन, केवल भारत नहीं ये पृथ्वी के ऊपर भी राजत्व कर रहे थे। पहले जितना देश है ना ऑस्ट्रेलिया रसिया ये जितने सब स्थान ये पहले एक ही था, बाद में ये सबके सब विभाजन हो गया अलग हो गया, लेकिन ये सबके सब पहले एक था। ये इसका नाम कहते ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा, बोले ये पांडवों का अस्त्रगार था इसलिए अस्त्रगार से ऑस्ट्रेलिया। अब देखना ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगह मरुभूमि है, बोले क्यों, बोले अर्जुन ने वहां पर ब्रह्मास्त्र को उन्होंने परित्याग किया था और ब्रह्मास्त्र जिसको एटम बम कहते हैं ना ये ब्रह्मास्त्र ऐसे ही है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने वहां पर उन्होंने परित्याग किया था, पूरा मरुभूमि हो गया। कहते भैया वहां पर एक ब्रिज भी जैसे ब्रजभूमि कहते ना ब्रिज भी पर्थ नाम से होंगे, पर्थ क्यों पार्थ का नाम से, अर्जुन का नाम पार्थ था पार्थ से पर्थ, इसलिए रसिया नाम क्यों, तब ये ऋषि मुनि जो थे जिसने बस श्री दशरथ महाराज ऋषि मुनि को द्वारा उन्होंने उत्कृष्ट यज्ञ करवाए जिससे चरु निकला तो जिसको पैदल कौशल्या सुमित्रा खाए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हुए, इसलिए वो रसिया ऋषि रसिया नाम पड़ा है, इसलिए उसका नाम मोक्ष का स्थान पर स्थान है, उसका मतलब क्या बल मुक्ति का स्थान है, हां मुक्ति के मस का नाम पड़ा। इसलिए आप जाओ ना विदेश में कहीं देखना करीब करीब हमारे भारत के नाम के अनुरूप देखो कैसे नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले ये सब एक ही था बाद में